नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात और जय माता। तो मैं हूँ रोशन, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और मैं फिर से आ चुका हूँ अपने चैनल डिफिकल्टी टू क्रिएटिविटी, यानी कि कठिनाई से रचनात्मकता। तो अगर आपके जीवन में दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, तो तरक्की है, कामयाबी है और हौसलों की उड़ान है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है चित्रकारी के बारे में। बचपन में दोस्तों, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, एक चीज़ आई एम श्योर कि आप लोगों ने ज़रूर की होगी और मैं तो करता ही था, कि जब हमारे पास फ्री पीरियड होते थे तो हमारे पास एक रफ कॉपी होती थी और उस रफ कॉपी के कॉर्नर में हम कुछ ना कुछ चित्रकारी ज़रूर किया करते थे, जैसे लकीरें खींच देना, गोले बना देना, पहाड़ बनाना, कुछ ना कुछ करना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये चित्रकारी भी जो होती है, ये कहीं ना कहीं आपको आपके करियर का डायरेक्शन देने में या ये बताने में कि आपको कौन सा काम करें जो आप डिजर्व कर सकते हैं, या आपका इंटरेस्ट जानने में मददगार साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ ही दिन पहले जाना, इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है डूडल्स, यानी कि कुछ भी चित्रकारी, आड़ी टेढ़ी। अगर लोग फ्री बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे गोल 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 कुछ ड्राइंग बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, लकीरें बनाते हैं, कुछ नहीं तो डॉट 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 बनाते रहते हैं। तो इन चीज़ों से भी पता चल सकता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपकी रुचि किन चीज़ों में है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूँ आपको एरोस का। एरो यानी कि तीर। जो तीर बनाए जाते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक होता है? बहुत से लोग जो तीर बनाते हैं उसके पीछे उनका लॉजिक होता है कि उनका लाइफ में कोई एम है, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा, इससे कोई इंसान ये चाहता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करूं, या मैं इस मुकाम पर पहुंच जाऊं, मैं उस मुकाम पर पहुंच के ये करूं। कहीं ना कहीं ये एरोज जो होते हैं उसके डायरेक्शन को एक परिभाषित करते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो जो बॉक्सेस होते हैं, जिसे स्क्वायर्स भी कहा जाता है, अगर कोई इंसान स्क्वायर बनाता है तो कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी वो कोई चीज़ बनाकर उसको शेप, उसको आकार देने में विश्वास रखता है। तो इस तरीके के लोग आमतौर पर ऐसा देखा गया, जरूरी नहीं है इंजीनियर्स होते हैं या आर्किटेक्ट्स होते हैं या डिज़ाइनर्स होते हैं। तो ये भी एक तरीके से आपका इंटरेस्ट जानने का तरीका है। आप फ्री टाइम में बैठ के जो भी चित्रकारी करते हैं उसका भी कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। वो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी, आपके इंटरेस्ट और आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो चाहत है ना जीवन में कुछ करने की, उसको दर्शाता है। एक होता है 3D बॉक्स, जिसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 3D बॉक्स में बेसिकली क्या होता है, ये 3D बॉक्स यानी कि जैसे क्यूब होता है, डाइस होती है ना लूडियो में, उसमें 6 फेसेस होते हैं। तो 3D बॉक्स अगर आप बनाना पसंद करते हैं तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आप प्रॉब्लम की हर इशू, मतलब आप एक प्रॉब्लम को हर एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, ऑल साइड्स ऑफ द फेस, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हर तरीके से आप उस चीज़ को समझते हैं। तो इस तरीके के लोग वकील, लॉयर, जो हर एंगल से चीज़ों को देख के फिर अपना निर्णय लेते हैं। इसके बाद बात करो अगर ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल बनाने वाले लोगों में ये देखने में आया कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे किसी चीज़ को शुरू करके ख़त्म करने में ही विश्वास करते हैं, बीच में नहीं अटकाते। तो ये ट्रायंगल जो लोग बनाना पसंद करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं और किसी न किसी प्रकार का ऐसा काम अपने हाथ में लेते हैं जिसे उन्हें उसके लास्ट मुकाम तक पहुँचाना ही है। इसके बाद आता है सर इरेगुलर लाइन, जिगजैग लाइन, यानी कि आड़ी टेढ़ी रेखाएं, उल्टी सीधी रेखाएं, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, लाइंस। ये लाइंस कहीं ना कहीं एक 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 प्रकार से ये शो करती है कि किसी भी इंसान के अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, उसे समझ नहीं आ रहा उसे क्या करना है, एक प्रकार से इरेगुलरिटी कह सकते हैं, अनडायरेक्शनल, उसके पास जीवन में कोई खास वजह नहीं है कुछ करने की, या वो कन्फ्यूज है बेचारा। जरूरी नहीं कि ये कोई बुरे साइन, अगर आप ऐसी लाइंस बनाते हैं इसका मतलब आपके अंदर टैलेंट और पैशन तो है, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है मैं किस तरफ जाऊँ, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में बैठे बैठे ऐसी लाइंस उस पर बनाते हैं। तो अगर इस तरह की लाइंस आप बनाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन और एक गाइडेंस की जरूरत है। दोस्तों, जिसे कहते हैं ना स्टार्स, पेपर के कॉर्नर पे या बैठे बैठे पेपर पे कहीं दफा स्टार्स बनाते थे। स्टार्स इस बात का साइन है कि उन लोगों में होप बहुत है, वो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, उम्मीद से भरे हुए हैं, इसीलिए इस तरीके के लोग छोटी मोटी परेशानियों या किसी प्रकार की दिक्कत या कि जल्दी हार नहीं मानते। तो इस तरीके के लोग अगर कोई भी बड़ा काम अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। तो इफ़ यू आर ऑप्टिमिस्टिक, अगर आप स्टार्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसा काम ढूंढिए जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, विश्वास रखिए आप उसे पूरा कर लेंगे। सर्कल्स, सर्कल्स जो लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं या फ्री टाइम में पेपर के कॉर्नर पे या कहीं भी बैठे बैठे सर्कल्स बनाने लगते हैं, तो ये लोग एक तरीके से सोशल होते हैं, ये लोग टॉकेटिव होते हैं, लोगों में रहना, उठना बैठना इन्हें बहुत पसंद होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग जो होते हैं ना, ये आप ये मान के चलिए कि जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, टीवी में न्यूज़ पढ़ने वाले होते हैं, किसी प्रकार का टॉकेटिव काम करने वाले, ये वो लोग होते हैं। अब एक होता है दिल का आकार, जो हार्ड शेप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये लोग बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और नरम दिल के, और कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम में इस कदर डूब जाते हैं कि उन्हें दुनियादारी का ही भान नहीं रहता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं बैठे बैठे बार बार दिल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट मीन्स यू आर अ वेरी लवली काइंड ऑफ पर्सन, आप अपने काम से भी प्यार करेंगे और जो भी इंसान आपके जीवन में आएगा उसे भी रिस्पेक्ट, सम्मान और इज्जत देंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने वाले लोगों को अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होता है।
कुछ लोग बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, तो वो फ्लावर्स जो फूल होते हैं, फूलों के आकार को बनाना पसंद करते हैं। तो ये जो फूल बनाते हैं, उनकी साइकोलॉजी या उनका डिटर्मिनेशन ये कहता है कि ये लोग ग्रोथ यानी आगे बढ़ना, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा करना, उसको डबल करना, इस तरह की चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के लोगों को कोई काम ढूंढना है, तो उन्हें ऐसा काम ढूंढना चाहिए जो आगे बढ़ते रहने वाला हो। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि भाई कुछ लोगों को अपने साथ लोगों को लेके चलना पसंद है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है, या लोगों की मदद करते हुए उनके साथ आगे बढ़ना है, तो इस तरीके की क्वालिटीज जो फ्लावर्स बनाते हैं ना, उन लोगों में बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोगों को आदत होती है फेसेस बनाने की, यानी छोटे मोटे फेसेस, एक गोल सर्कल बना दिया, उसमें आँख नाक मुंह, और इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाने वाले लोग जो होते हैं ना, हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा देखते हैं, यानी कि कुछ मिसिंग, जैसे कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें यहाँ ये नहीं है, इसमें वहाँ वो नहीं है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाने वाले लोगों को अधिक देखा गया है, लोगों की कमियाँ और खराबियाँ बहुत जल्दी देखते हैं। इट इज़ नॉट नेगेटिव, बट आपको अपनी साइकोलॉजी तो चेंज करना ही पड़ेगी। और लास्ट में जो बेसिकली आता है, वो आता है आपका ट्रीज, यानी कि पेड़। अगर कोई इंसान पेड़ या पेड़ जैसे स्ट्रक्चर बनाना पसंद करता है, तो जब वो पेड़ बना रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो पेड़ के टॉप पे जब उसकी एक प्रकार से पेड़ का ऊपरी हिस्सा बनाता है, तो वो उसके ईगो, उसके एम्बिशियस, यानी कि उसका लक्ष्य उसके लिए कितना मायने रखता है, ये बहुत वो इस बात पे गौर करता है। तो इस तरीके के लोगों को हमेशा अपना टेम्पर और अपना एक प्रकार का बिहेवियर जो है, हमेशा हाई लेवल पर रखने की आदत होती है। तो इस तरीके के लोग आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि ऐसे जैसे मेजर जनरल के आर्मी में जो लोग होते हैं, मेजर होते हैं या सेनानायक होते हैं, उस तरीके के किरदार में लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और अगर वो ब्रांचेस बना रहे हैं, टूटे हुए पत्ते पेड़ बना रहे हैं, तो इट्स अ लैक ऑफ फाइटिंग स्पिरिट, मतलब उनमें जीवन में लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इंसान के अंदर जो मन में विचार होते हैं, उसी प्रकार के चित्र भी बाहर बनाते हैं। तो ये जो डूडल्स हैं दोस्तों, चित्रकारी है, ये चित्रकारी भी कहीं ना कहीं आपको आपका करियर बनाने में, आप बेसिकली क्या हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, ये आपको बताने में काफ़ी कुछ हद तक मददगार होते हैं। और इस वीडियो की हेल्प से अगर आप इस तरीके के चित्र बना के अपने इंटरेस्ट या अपने डायरेक्शन या अपने करियर को ढूंढ लेते हैं, तो मेरी आज की मेहनत सफल होगी। तो इस बार के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, फिर किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड जय माता।